नमस्कार, ब्रेक न्यूज के साथ मैं प्रदीप कुमार। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार राज्य से। सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन बंद हो जाने के बाद लाखों प्रेरक बेरोजगार हो गए हैं, जिसके लिए पूरे भारत से प्रेरक अपनी संविदा बहाली हेतु बकाया मानदेय हेतु लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच 15 फरवरी 2023 को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन पटना बिहार में किया गया। धरने में आए हुए शिक्षा प्रेरकों ने सर पर टोपी लगाए हुए दिखे। टोपी पर लिखा है, मैं बेरोजगार शिक्षा प्रेरक। अपनी मांग पत्र में रोजगार के लिए डिमांड करते हुए भारी जन सैलाब के साथ शिक्षा प्रेरकों ने बैंड बाजा के साथ अपना प्रदर्शन किया और गाजा बाजा ले जाना मनोरंजन नहीं बल्कि सरकार को जगाने के लिए बाजा का प्रयोग किया गया। साथियों, यह प्रदर्शन वास्तव में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। साथियों, शिक्षा प्रेरक का यह संघर्ष बहुत ही सराहनीय है। धरने में अनेकों अधिकारी भी आए और साथियों, शिक्षा प्रेरकों का यह संगठन अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। धरने में आए हुए प्रेरकों की भीड़ से यातायात भी प्रभावित रहा, तो जहां तक आस लगाई जा रही है कि शिक्षा प्रेरकों की तरकीब सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार हमारे शिक्षा प्रेरकों की बात को सुनेगी और शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं का समाधान हेतु कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। साथियों, 2018 से शिक्षा प्रेरक अपनी संविदा बहाली हेतु लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु यह सरकार ना जाने क्यों इन शिक्षा प्रेरकों की समस्या को नहीं सुन रही, जिसके लिए प्रत्येक राज्य से शिक्षा प्रेरकों का संगठन अपने मंत्रियों, सांसदों और जिलाधिकारियों को अवगत कराते आ रहे हैं। प्रेरकों की संविदा बहाली की जाए, परंतु यह सरकार पत्थर की तरह शिथिल पड़ी है, जिसको लेकर शिक्षा प्रेरकों का धरना प्रदर्शन व रैली कार्यक्रम करना प्रारंभ हो गया है, जो कि पटना गांधी मैदान में शिक्षा प्रेरकों द्वारा भारी संख्या में एकजुट होकर शिक्षा प्रेरकों ने धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम किया। इन शिक्षा प्रेरकों से अन्य राज्य के प्रेरक भी प्रभावित हो रहे हैं और पूरा प्रेरक संगठन अब अपनी समस्या समाधान हेतु तैयार हो गया है। तो साथियों, गांधी मैदान पटना का यह महा आंदोलन अधिकारियों और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किया है। अगर इसी तरह संघर्ष जारी रहा तो शिक्षा प्रेरकों को निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रेरकों का संगठन अपने साथियों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है, तो आगे जैसा भी अपडेट आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।